हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वे वर्ष आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपका पर्सन किससे और क्या बातें कर रहा है आपके बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपको बता दूँ कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप उस इंसान को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की सोच, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और वो इंसान आपके बारे में किससे और क्या बातें करता है। तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है और आप उस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके माई लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस, मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं। ये रीडिंग भी सभी जोडियक साइंस के लिए है। ये तो रही जोडियक साइंस की बात, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नंबर और पांच नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ओके, अब करते हैं आपके पर्सन से आपका किस तरह का रिश्ता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ये जो पेयर है ना, बहुत खूबसूरत है। आप या फिर आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और यहाँ पर किंग और क्वीन के कार्ड्स हैं और किंग के तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स तीनों ही कार्ड्स आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना इस पर्सन के अलावा भी और चॉइसेस हैं या फिर इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। यहाँ पे तीन इंसान नज़र आ रहे हैं, साथ ही आपको चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, ये चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हैं, आप जिससे भी बात करते हैं उस इंसान को अपना बना लेते हैं। पर इस इंसान की जब बात आती है ना, तो ये इंसान उस गुरूर में रहता है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन के पास ना और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके अलावा, इस पर्सन की लाइफ में और भी बेटर ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन और भी ऑप्शंस की तलाश में है। इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इस पर्सन के माइंड में फाइट्स चल रही हैं और ये पर्सन अपने ही थॉट से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ये पर्सन दिल दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहे। इस पर्सन का दिल आप पर आ गया है पर दिमाग इस पर्सन का कुछ और कह रहा है। इस पर्सन की लाइफ में और जो ऑप्शंस हैं उनकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है, जो इस रिश्ते में गैप बन रहा है ना, किसी अदर पर्सन की वजह से बन रहा है और कोई एक पर्सन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन नज़र आ रहे हैं पर्सन की लाइफ में। इसीलिए यहाँ पर ना आप इस पर्सन को एक ऐसा व्यक्ति मान बैठे हैं जहाँ पर आप भी इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट इस पर्सन ने तोड़ा है, ये चीज़ है। और साथ ही ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जितना प्यार इस पर्सन से करते हैं ना, उतना प्यार तो और भी बाकी लोग करते हैं। इस पर्सन की लाइफ में तो चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वांड्स के कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं। कहीं ना कहीं फाइव ऑफ वांड्स के कार्ड में बहुत सारे लोग एक पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फाइव वांड्स हैं। तो कहीं ना ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, इस पर्सन को थोड़ा और सोचना चाहिए, इस पर्सन को क्या पता आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस की तलाश में भटक रहा है पर्सन और जहाँ कहीं भी स्टक है इसी वजह से। पर ये पर्सन हर इंसान से आपकी बात करता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो प्यार इस पर्सन से करते हैं ना, उतना प्यार शायद कोई और नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा ऑप्शन है जो इस पर्सन को प्यार तो देगा ही, साथ में इस पर्सन की बहुत केयर करने वाला है। इस पर्सन को रिस्पेक्ट देने की आपने जितनी भी ट्राई की है ना, इस पर्सन ने डिनाई किया है। यानी कि ये पर्सन चाहता नहीं है कि आप इस पर्सन की केयर करें या इस पर्सन को प्यार जताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की जो
कंपेयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस पर्सन के स्टेटस को देखकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुद पर घमंड है, गुरूर है और इस पर्सन की लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए भी ये गुरूर इस पर्सन में आया हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं किंग ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कारण है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को और हर उस चीज़ को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जो ये पर्सन पाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में हर वो चीज़ है जो इस पर्सन को एक ऐसा इंसान बनाती है जो पूरी तरह से कंप्लीट है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर पर्सनालिटी की बात हो तो भी ये पर्सन कंप्लीट है। इस पर्सन की लाइफ में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। तो इस पर्सन के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा इस पर्सन को अपना बनाने के लिए कि कुछ अलग हो, कुछ हटकर हो। तो आपको ये पर्सन एक ऐसी नज़र से देखता है कि कुछ स्पेशल करें आप इस पर्सन के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा नज़र आ रही हैं के बारे में। ये पर्सन अपने फ्रेंड से बात करता है और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको लेकर बात की है, क्योंकि यहाँ पर आप जितने इमोशनल नज़र आ रहे हैं ना, इस पर्सन को भी खबर है कहीं ना कहीं कि आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हैं। इस पर्सन को लेकर धीरे धीरे सीरियस होते जा रहे हैं और आपकी इस सीरियसनेस के बारे में ही पर्सन के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन को लेकर जितने प्रोटेक्टेड हैं और भी इन फ्यूचर आप इस पर्सन को लेकर अगर इसी तरह करते रहे तो ये पर्सन तो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप ही से बंद कर रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बंधने से डर रहा है, यानी आपके साथ इस रिश्ते में ना आप ही का होकर रह जाने से डर रहा है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, इसी के बारे में ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें भी करता है। यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा है कि इस पर्सन की लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये पर्सन आपको एक ऐसी नज़र से ही देख रहा है जहाँ पर इस पर्सन को आप पसंद तो हैं, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ में ये पर्सन स्टक होकर रह जाएगा। आप इतने ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं कि ये पर्सन उतना इमोशनल नहीं है, इमोशनल लेवल पर ये पर्सन इतना ज़्यादा ना वीक नहीं है जितने कि आप वीक हैं। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं ये पर्सन, पर आपके मामले में ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हैं। आप अपना हाल दिल इस पर्सन को शेयर करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपके लिए एक्शन लेने से घबरा रहा है और आपको अपना ये प्यार भरा कप ऑफर करने से घबरा रहा है। पर आप तो इस पर्सन को अपना बनाने के लिए जैसे कि रेडी बैठे हैं, ऐसा ये पर्सन इस वक्त भी फील कर रहे हैं और अपने फ्रेंड से ये बात करते हैं कि जब कभी भी ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहेंगे तो आपको अपना बना सकते हैं, क्योंकि आप कहीं नहीं जाने वाले। इस पर्सन का कल भी आप इंतज़ार कर रहे थे, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमेशा ही इस पर्सन का आप इंतज़ार करेंगे। ये पर्सन जहाँ कहीं भी रहें, घूम फिर कर ये पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं। अगर आप दोनों का साथ किस्मत ने लिखा होगा तो आप दोनों एक हो जाएंगी। तो इस तरह की इस पर्सन की सोच आपको लेकर बन गई है, फीलिंग्स हैं, प्यार है, पर कहीं ना कहीं स्टक हो जाने का डर इस पर्सन को है। आप बहुत इमोशनल हैं, इसकी वजह से भी ये पर्सन अपने आपको ना आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकता है और अपनी फीलिंग्स का इजहार करने से भी कहीं ना कहीं झिझक महसूस करता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।